राजेंद्र, मैं शिवांगी स्वागत करती हूँ आप सभी का। आइए बढ़ते अपने धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। श्रवण संघीय प्रथम युवाचार्य श्री मिश्री मलजी महाराज मधुकर के सुशिष्य श्रवण संघीय सलाहकार प्रवर्तक श्री विनय मुनि भी महाराज साहेब दक्षिण के श्री तपाचार्य श्री सन्मति मुनि साहिल श्री संदेश मुनि जी साधक द्वारा आज लुधियाना में लोगों को कर्मों में शुद्धता लाने का संदेश दिया गया। इस मौके पर भारी संख्या में पहुंचे भक्तों को काफी उत्साहित पाया गया। आपको बता दें कि महाराज साहिब जी द्वारा रोजाना सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक सिविल लाइन्स में प्रवचन किए जा रहे हैं। आप सभी समय से पधार महाराज साहिब जी के दर्शनों एवं प्रवचनों का लाभ ले सकते हैं। साहू लोग तमो केवली पंत तमो लोग तमो चतारी सन्नम पवज्जा में अरियंते सरनम पवज्जा में ते सरनम पवज्जा में साहू सरनम पवज्जा में केवली पनतम धम्मं सरनं पवज्जा में। लुधियाना से विकास की रिपोर्ट। भगवान जगन्नाथ सेवा संघ की ओर से हरि नाम संकीर्तन राम दरबार मंदिर दशहरा ग्राउंड फ्लोर में करवाया गया। इस दौरान भारी संख्या में भक्तों ने शिरकत की व फूलों से होली का पवित्र त्योहार मनाया। भगवान जगन्नाथ सेवा संघ के सेवादार वैभव शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम में अमेरिका से अपनी टीम के साथ आई विश्व प्रसिद्ध देवी गौरव मणि जी ने अपने मधुर आवाज में भजन गायन कर संगतों को निहाल किया। आयु संगतों के लिए अटूट लंगर सेवा भी चलाई गयी। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। लुधियाना के साई द्वारका माई धाम लालतू कला में 5वां मूर्ति स्थापना दिवस समारोह बेहद ही श्रद्धा भावना से आयोजित किया गया। इस मौके गुफा का उद्घाटन गुलशन एवं सौरभ कालरा दिल्ली वालों की तरफ से किया गया व ज्योति प्रचंड बाल गोपाल गौशाला के प्रधान दर्शन लाल लड्डू द्वारा किया गया। विशाल साई भजन संध्या में मशहूर बॉलीवुड गायक मनहर उद्धास जी ने अपने मधुर आवाज से साईनाथ जी का गुणगान किया। भारी संख्या में पहुंचे भक्तों को बेहद उत्साहित पाया गया। अंत में सभी भक्तों में साई बाबा का लंगर रूपी प्रसाद वितरित किया गया। मनहर उदास जी भजन करने आए ने बॉम्बे तो अपनी टीम दे नाल। लाइव पेंटिंग होगी, लाइव वो पालकी होएगी। साडे मंदिर के जिन्ने ट्रस्टी सारे इत्थे इस वेले हैगे ने जिहड़े काम कर रहे ने पूरा दिलो तन मन धन नाल। आज जो बाबा का मूर्ति स्थापना दिवस चल रहा है उसमें हमारे जो सज्जन है, हमारे भगत गण है, कोई दिल्ली से है, कोई कुरुक्षेत्र से है, पूरे पंजाब से है, हमारे जो मिलनसार भगत हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और बाबा की गहमा गहमी के कारण हाँ इतना रश देख रहे हैं, जिसमें मशहूर सिंगर गायक मनन उदास जी आज बाबा जी का गुणगान करेंगे और राजेश रतन जी आज बाबा की लाइव पेंटिंग बना रहे हैं। इसके उपरांत गुलशन अरोड़ा जी हैं वो बाबा की लाइव पालकी बना रहे हैं। लुधियाना से विकास की रिपोर्ट। खबर दीनानगर से है। यहाँ ग्राम पंचायत मगरल में होली मोहल्ले के उपलक्ष में हर वर्ष की तरह इस बार भी लंगर का आयोजन बेहद ही श्रद्धा भावना के साथ किया गया। यह लंगर पिछले 5 वर्षों से लगातार लगाया जा रहा है। इसकी जानकारी सरपंच दिलवीर सिंह द्वारा दी गई और अधिक जानकारी देते हुए कमेटी प्रधान गुरमीत सिंह ने बताया कि यह लंगर कमेटी और गाँव वासियों के सहयोग से लगाया जाता है और यहाँ पर आसपास के इलाकों के श्रद्धालुओं द्वारा लंगर ग्रहण किया जाता है। मैं दलबीर सिंह सरपंच पिंड मगराले तो ये लंगर जी अज तो 5-7 साल पहलों तो मतलब कि लगता आ रहा ये होले महल्ले के संबंध में ये लंगर हर साल संगत इलाके दारिया संगत कट्ठिया हो के जोड़ मिलन करके ये सारा लंगर चला ने। यह लंगर बड़ी ही श्रद्धा के नाल इतने सारा इलाका कट्ठा हों सारे इलाके योगदान के नाल जोड़ा लंगर आते चल रहा वा तो बड़े समूथली ढंग लंगर चलता वा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਗਰਾਲਾ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਮਗਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਗਰ ਇਲਾਕਾ ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। दीनानगर से पवन कुमार की रिपोर्ट। जहां पूरे भारत में होली का पवित्र त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया वहीं मोगा के सब जेल में भी बड़े स्तर पर होली पर्व मनाया गया। इस मौके पर समूह कैदियों ने फूलों के साथ रंग बिरंगी होली खेली। गुरमीत सिंह की तरफ से बुलंद आवाज में गीत भी गाए गए और सभी को अच्छे मनुष्य बनने की अपील की गयी और सभी समूह कैदियों ने जेल सुपरिंटेंडेंट और मैडम अनमोल शर्मा की तरफ से होली का त्योहार मनाने के लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद किया और सभी को होली पर्व पर ढेरों शुभकामनाएं दी। देखिए होली रंगा का त्यौहार है, रंग 7 रंगा मिला के जो एक रंग बनता है सफ़ेद रंग एक पवित्र रंग। असं यही चाहेंगे जिस तरह के इन्होंने बंदियों असी अज होली मनाई असी चाहेंगे कि ये इस तरह ही खुशी भरी जिंदगी जीन इस
ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਲੀ ਮਨਾਈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖਿਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਸੁਬਹ ਹੋਲੀ ਦੇ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਦੀ ਤਣਾਅ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਰੰਗਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ? ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਸੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇ ਬਦੋਵਾਲ ਕੈਂਪਸ ਮੇ ITBP ਕੇ ਜਵਾਨੋ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕਰ ਹੋਲੀ ਕਾ ਪਰਵ ਮਨਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਰਹਦੋ ਕੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨੋ ਨੇ ਗਾਣੇ ਕੀ ਧੁਨ ਪਰ ਨਾਚ ਗਾਕਰ ਹੋਲੀ ਕਾ ਲੁਤਫ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਨ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੇ ਅਧਿਕ ਤਾਪਮਾਨ ਮੇ ਸਰਹਦੋ ਕੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਨੋ ਨੇ ਰੰਗ ਲਗਾ ਕਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਹੋਲੀ ਕੀ ਬਧਾਈ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨੋ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਕਰ ਹੋਲੀ ਕਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ, ਸਭੀ ਧਰਮ ਕੇ ਜਵਾਨ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੀਏ। ਮੈਂ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਰਾਲ, ਸੈਨਾਨੀ 26ਵੀਂ ਵਾਹਿਨੀ ਭਾਰਤ ਤਿੱਬਤ ਸੇਵਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲ। ਸਰ, ਅੱਜ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੇ ਜਵਾਨ ਜੋ ਹੈ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸੇ ਦੂਰ ਰਹਿਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਹੈ ਆਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਕੇ ਲਈ ਹਰਸ਼ੋ ਉਲਾਸ ਸੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਕੋ ਹਮ ਹੋਲੀ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਮਨਾਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਜੋ ਹੈ ਬੁਰਾਈ ਪਰ ਅੱਛਾਈ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਇਸਕੋ ਮਨਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਜਵਾਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 24x7 -40 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਮੇਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਤੇ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੇ ਇਨਕੋ ਐਸੇ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਪੋਸਟਿੰਗ ਮਿਲਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਇਨਕੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ, ਤੋ ਆਜ ਵੋ ਪੂਰੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਮੇਂ ਜੋ ਹਮ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਮਾਰੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਬੜੇ ਹਰਸ਼ੋ ਉਲਾਸ ਕੇ ਸਾਥ ਇਸਕੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਆਪਣੇ ਹਿੰਬੀਰ ਦੋਸਤੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਜਵਾਨ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰੋਂ ਸੇ ਦੂਰ ਰਹਤੇ ਹੈਂ, ਉਨਕੇ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਨਾ, ਤੋ ਆਜ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਮਨਾਤੇ ਹੈਂ, ਕੈਸਾ ਲਗਤਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਾ ਆਪਨੇ, ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਯਹੀ ਜੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹਮਾਰੀ ਯਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜੋ ਉਨਸੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਵੋ ਫੈਮਿਲੀ ਸੇ ਦੂਰ ਰਹਤੇ ਹੈਂ, ਤੋ ਉਨਕੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਦਿਆ ਜਾਏ ਕਿਸੀ ਵੀ ਦੌਰ ਮੇਂ ਜਿਸ ਮੇਂ ਉਨਕੋ ਅਕੇਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋ, ਉਨਸੇ ਜੋ ਉਨਕਾ ਜੋ ਘਰ ਸੇ ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇ ਇੱਕ ਜੋ ਮਨ ਮੇਂ ਇੱਕ ਠੇਸ ਰਹਤੀ ਹੈ, ਵੋ ਉਨਕੇ ਕਭੀ ਉਨਕੇ ਕਾਮ ਕਾਜ ਮੇਂ ਆਗੇ ਆੜੇ ਨਾ ਆਏ, ਇਸੀ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਤੇ ਹੋਏ ਹਮ ਲੋਗ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੋ ਕਿਸੀ ਵੀ ਧਰਮ ਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਵੀ ਉਸਸੇ ਹੋ, ਉਸਕੋ ਹਮ ਮਨਾਤੇ ਹੈਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮਨ ਖੇੜਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा की तरफ से बटाला में अलग अलग विकास कार्यों की शुरुआत की गई। इस मौके अपने संबोधन में मंत्री बाजवा ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से बटाला शहर के विकास के लिए पहले भी करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट दिए गए थे और अब फिर 25 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लिए मंजूरी दिया गया है। इसके साथ ही मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा ने कहा कि सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं और 16 मार्च को मुख्यमंत्री ने जो पंजाब के लोगों से वादे किए थे उनको लेकर बड़े ऐलान करेंगे। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਕਰਕੇ 5.5 ਸਾਲਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 25 ਕਰੋੜ ਭੇਜਿਆ ਵਾ। ਉਹ 'ਚ ਕੰਮ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ, 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਲਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨੇਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਣੀ ਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਰਿਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜੂਣ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖਸਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ
ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸੈਰਗਾਹ ਜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਆ, ਛੇਤੀ ਐਡਵਾਂਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਭੱਜੀ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਡੋਬੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਅੱਜ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਟੱਕ ਲੱਗ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਟੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸੜਕ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ 4-4 ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸ਼ੇਖੜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੀ ਦਿਆਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਰਬਨ ਸੇਡ ਵੀ ਦਿਆਏ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਆਏ, ਬਾਲਮੀਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਆਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਚਲੋ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ? ਅੱਜ ਬੜਾ ਚਰਾਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਜੋ ਆਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਤੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੇ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁੰਦਲ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। भारतीय किसान यूनियन पंजाब के मुख्य दफ्तर लुधियाना में एक मीटिंग का आयोजन किया गया और मीटिंग को संबोधित करते हुए प्रधान अजमेर सिंह लखुवाल ने बताया कि अपने हक की मांगों को लेकर 18 मार्च को दिल्ली जंतर मंतर में बहुत ही बड़ी गिनती में पूरे किसान भाई शामिल होंगे, जिसमें किसानों की जायज मांगे जैसे कि मंडीकरण सिस्टम को बचाने के लिए किसान जत्थेबंद या आरती एसोसिएशन के साथ मिलकर 18 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर में बड़ी गिनती में इकट्ठा होंगी। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ MSP ਆ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਰਕਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ WTO ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਖਰੀਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। लुधियाना के हबोवाल में योगेश बख्शी की अगुवाई में हिंदू नेताओं के ऊपर हो रहे आत्मघाती हमले को लेकर आतंकवाद के खिलाफ पुतला फूंक प्रदर्शन किया गया। इस मौके उन्होंने कहा कि जल्दी पंजाब सरकार की तरफ से इन हिंदू नेताओं के ऊपर हो रहे हमले करने वाले आतंकवाद को पकड़ा जाए, नहीं तो संघर्ष को और तीखा किया जा सकता है। ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਅੰਤਵਾਦ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਤਾਂ ਫੂਕਿਆ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ, ਖਾਲਸਾ ਨਾਅਰੇ ਲਾਇਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉੱਪਰ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਗਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਫੋਟੋ ਲਵਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਵਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। बचपन प्लेवे स्कूल की तरफ से 11वां वार्षिक समारोह इश्मीत म्यूजिकल इंस्टीट्यूट में बेहद ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके बच्चों की तरफ से रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। इस मौके बच्चों की तरफ से नारी शक्ति व रिश्तों की महत्ता का नाटक द्वारा दिया गया संदेश विशेष आकर्षण का केंद्र बना रहा। डायरेक्टर नवतेज सिंह, बचपन प्ले स्कूल विकास नगर लुधियाना। आज हमारे स्कूल में 11th एनुअल डे प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया, जो कि आज बहुत ही उत्साह के साथ पेरेंट्स ने हमारे को सपोर्ट किया। पूरा साल जो है वो बच्चों की मेहनत रहती है और पेरेंट्स को एक उत्साह रहता है कि हम अपने
दो से चार साल तक के जो बच्चे हैं हमारे स्कूल में, उनको अपनी फर्स्ट परफॉर्मेंस लाइव की करते हुए स्टेज पे देखना चाहते हैं। तो वो आज दिन जो है वो पेरेंट्स का और हमारा सपना साकार होता है हर साल कि हम बच्चों की परफॉर्मेंस जो है वो स्टेज पे देखते हैं। बच्चे तकरीबन दो महीने से रेगुलर हमारे कोरियोग्राफर आते हैं स्कूल में और वो बच्चों को ट्रेन करते हैं, तब जाके पूरे साल के प्रोसेस में ये प्रोग्राम हम एक सक्सेसफुल प्रोग्राम बना सकते हैं। आज हमारे स्कूल में जो आइटम्स पेश की हैं उसमें से सबसे बेस्ट आइटम जो हमने अपना एक थीम दे के शुरुआत की थी अपने प्रोग्राम की सोसाइटी को, वो थी आइटम छपाक, जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर थी, जिसमें हम देखते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लेडीज़ के ऊपर, औरतों के ऊपर जो जुल्म होते हैं उसके ऊपर वो हमने आइटम थीम बेस किया था। उसके बाद हमारी मदर्स ने अपने बच्चों के लिए स्कूल की तरफ से एक ट्रिब्यूट पेश की, जो कि मदर्स ने भी परफॉर्मेंस अपनी स्टेज के ऊपर दी। और जो हमारी छपाक आइटम थी उस आइटम में तो बच्चों को पेरेंट्स ने स्टैंडिंग ओवेशन दी, सारा हॉल जो था वो क्लैपिंग के साथ गूंज उठा। लुधियाना से विकास की रिपोर्ट। श्रम संघ आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज के आज्ञानुवर्ती महान तपस्विनी तपोमनी संधारा साधिका महासाध्वी श्री प्रवीण कुमारी जी महाराज की सुशिष्य श्रमणी गौरव प्रवर्तनी महासाध्वी श्री प्रियंका जी महाराज, तप ज्योति महासाध्वी श्री सुकृति जी महाराज आदि थाना पांच का होली चातुर्मास कुल्लू में संपन्न हुआ, जिसमें उप्रवर्तनी साध्वी श्री प्रियंका जी महाराज ने त्रिदिवसीय मौन साधना के बाद सभी को महामंगल पाठ सुनाया और अपना आशीर्वाद प्रदान किया। अभी महाराज साहिब जी का विचरण हिमाचल प्रदेश में ही रहेगा, सभी जाके दर्शनों का लाभ लें। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जहां हर कामयाब महिला का जिक्र किया गया, वहीं आज हम आपको देश की एक ऐसी बेटी की कहानी बताएंगे जो कि शारीरिक रूप से कार्य करने की क्षमता न होने के बाद भी कला के क्षेत्र में कुछ कर दिखाने का जज्बा रखती है। उनकी ये कमजोरी उनकी ताकत बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं अमृतसर के कस्बा जंडियाला गुरु की रहने वाली जपनीत कौर की। और इनके शरीर का ज्यादातर अंग काम नहीं करता, लेकिन जब जपनीत पेंटिंग करने बैठती है तो उनकी उंगलियां खुद ब खुद जादुई पेंटिंग बनाने के लिए इन्हें करती हैं। जपनीत के पिता सरबजीत सिंह की तीन बेटियां हैं, एक बेटी की शादी हो चुकी है जबकि दूसरी जपनीत से छोटी है। पिता के मुताबिक बहुत साल पहले जपनीत एक बीमारी का शिकार हुई और उनकी हड्डियों ने काम करना बंद कर दिया, वो शरीर का ज्यादातर हिस्सा काम करना बंद कर चुका है। जपनीत को बचपन से ही पेंटिंग का शौक था और वह अब तक कई राज्य और अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुकाबलों में हिस्सा ले चुकी है और कई इनाम भी अपने नाम कर चुकी है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जपनीत ने पेंटिंग का ये हुनर किसी से सीखा नहीं है। आत्मा चैनल भी पंजाब की इस बेटी के हुनर और कुछ कर दिखाने के जज्बे को सलाम करता है। जी जपनीत कौर, जसमीत कौर जी, कितनी देर तो पेंटिंग कर दे आ रहे जी? 10 इयर्स। ते केडी केडी पेंटिंग जड़ी है तुम्हारी फेमस हुई? ब्लू स्काई ट्रेन। जितेंद्र कौर जी, ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਮੈਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਬਰਥਡੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਇਹਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾ, ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਡ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਐਂ ਖੜੀ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੇਟੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ੌਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਬੱਚੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉਭਾਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਭੇਜੀ ਆਪਣੀ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਇਹਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।
यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से कमल एक करोड़ नाभा के सहयोग के साथ किसान प्रशिक्षण और जागरूकता कैंप लगाया गया, जिसमें किसानों की तरफ से बहुत ही उत्सुकता के साथ भाग लिया गया। इस मौके पर यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया के सदस्य डॉक्टर प्रदीप सिंह ने बताया कि किसानों को इन कैंपों दौरान कीटनाशक दवाइयों और खादों के प्रयोग किस मात्रा में किस सीजन के दौरान करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। साथ ही फसलों को होने वाली अलग अलग बीमारियों संबंधित भी विस्तार पूर्वक जानकारियां मुहैया करवाई गई है। इस मौके उन्होंने कहा कि नाभा में मिट्टी के जांच के लिए जांच केंद्र भी खोला जा रहा है। इसके अलावा किसानों को यारा फर्टिलाइजर्स की तरफ से तैयार किए जा रहे अलग अलग खाद पदार्थों के प्रयोग संबंधित भी जानकारियां मुहैया कराई गई। इस मौके पर किसानों ने कहा कि कंपनी ने हमें बहुत बढ़िया जानकारी दी है, सरकारों को भी चाहिए कि वह किसानों का हाथ थामे ताकि पंजाब का किसान खुशहाल हो सके। तकरीबन खेती करते हैं जी कणक ते झोना गन्ने दी जी। अज जो इत्थे नाभा विखे कमल जी अमर एग्रो वाले ने जो टीम बुलाई सी यारा कंपनी की, उन्होंने टीम ने सानू पूरा सहयोग दिता है ते सानू नॉलेज दिती है कि किस तरह अपने आउंदियां फसलों की खेती करनी है, किस तरह विभिन्नता लियानी है जी। मेन चीज़ा यही हैं कि अजकल जो मौसम की भी मार पै रही है, फिलहाल तो बड़ी मुसीबत किसान वास्ते बनी हुई है। तो अगों असी किसान वीर चाहते हाँ कि तकरीबन सानू कोई यहोजा सैटेलाइट वगैरह प्रबंध किया जाए जिस नाल पिंडां विच कणक वगैरह नू पानी लाउण दा प्रॉपर पता लग सके, तो उस तो बाद जो कणक दे झोने दे चक्कर चों कढ के किसी होर फसल बारे भी सानू वाजिब रेट दिते जाण। सरकारां नू चाहीदा कि किसानां दी बांह फड़े। ज अपने कामल कैमिकल दे इत्थे असी नाभा दे विच जारा जारा वालिया ने इत्थे सैमीनार रख्या, सानू काफ़ी फसलों के बारे जानकारी दित्ती, बहुत वधिया जानकारी दित्ती। सानू टाइम टाइम दे उत्ते केड़ी स्प्रे करनी है, केड़ा फर्टिलाइजर वरतना, उहदे बारे सानू दस्या। इन्हां ने सानू बहुत नॉलेज इकट्ठी हुई है। असी सरकारां नू भी बेनती करदे हां भी सानू इह जे जिहड़े सैमीनार ने उह होने चाहीदे ने, ते सरकारां नू चाहिंदा कि जिहड़ियां सारियां फसलां ने जिवें मक्की हो गई गन्ना हो गई इन्हां दे भी MSP तय करने चाहीदे ने, ते मूंगी वगैरह इन्हां दे कोई जिवें सेल करन बारे सानू सैमीनार होने चाहीदे ने, क्यों इन्हां दा कोई पक्का मंडीकरण नहीं हैगा, किसान इन्हां बारे कोई नॉलेज नहीं हैगी। चाहूँगा पहला कि अज अपने कमल एग्रो कैमिकल नाभा वल मतलब कि अपने यारा कंपनी दे जुटन दा मतलब मुहूर्त होया, जिथे इतें मतलब कि इन्होंने यारा कंपनियां ने सारिया सहूलतों बारे मतलब कि साढ़े सारे जिमीदार भाइयों किसान वीर मतलब कि सारिया सहूलतों बारे दसिया, और जिड़ी मतलब कि चीज़ खुराक की लोड़ है अपनी मतलब अज खेती दे विच अज समय दे विच मतलब कि उहदे बारे जानकारी दित्ती है, और इहदे विच मतलब कि जिहड़ियां भी मतलब कि न्यूट्रिएंट वरतने ने उन्हां बारे सारा कुछ अपने डॉक्टर प्रदीप जी ने मतलब कि यारा दे मतलब कि डॉक्टर ने इन्होंने सारिया ने साथ नाल दसिया है। नाभा से सुखशैन सिंह की रिपोर्ट। लुधियाना के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में अध्यापकों द्वारा अपनी तनख्वाहों को लेकर सरकार के खिलाफ आज से अनिश्चितकालीन के लिए प्रदर्शन जारी किया गया, जहां भारी संख्या में अध्यापक कलम छोड़ प्रदर्शन में जुट गए। इस मौके प्रदर्शन कर रहे अध्यापकों का कहना है कि सरकार द्वारा उनकी तनख्वाहों के प्रति अगर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो संघर्ष को और तीखा किया जाएगा। उनके इस प्रदर्शन का असर छात्रों पर देखने को मिला। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार ने उनकी तनख्वाह की मांग पर ध्यान नहीं दिया तो आगामी फाइनल्स एग्जाम का बायकॉट करेंगे, जिसे की पढ़ाई पर बुरा असर देखने को मिलेगा। मैं फुलविंदर वर्मा, सेंट्रल जोन इंचार्ज लुधियाना, गैस डिफिकल्टी लैक्चर एसोसिएशन संघर्ष कमेटी का पूरे पंजाब का मैंबर भी हाँ। मैं असी अज सरकार दा असी सरकार दे विरुद्ध असी सारे पंजाब दे विच रोस धरने कर रहे हैं कि सरकार साड़ी नौकरी नू सिक्योर करे। असी 2017-2003 तो लग के 17-17 साल तो कम कर रहे हैं, हुण जो सरकार ने कुछ सानू देन दा टाइम आया उदों सरकार कह रही है कि असी PPSC थ्रू करके डायरैक्ट रिक्रूटमेंट करांगे। हुण दसो असी इन्ने साल हो गए, 17-17 साल हो गए कम करदे नूं, 3000 5000 7000 फिर 10000 फिर हुण 21600 ते आए हैं असी। हुण जदों सानू कुछ देन दा टाइम आया उदों सरकार कह रही डायरैक्ट रिक्रूटमेंट करांगे, तुहानूं असी नौकरी दे विचों कढ दांगे। दसो असी कित्थे जावांगे, साडी फैमिली दा की होऊगा? ठीक है, हुण असी अपनी पहलां असी 2 तरीक नूं शांतमई धरने ते बैठे सीगे, सरकार ने साडी सुनवाई नहीं कीती। हाँ जी, सरबजीत कौर, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट। सर, सानू इन्ने साल हो चुके ने इस कॉलेज दे विच अपनी सर्विसिज असी दे रहे हैं, तो इन्ने सालों तो साड़ी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पहले असी कदे 3000 7000 7 तो असी 10 ते आए, 10 तो असी 11600 फिर उस तो बाद 21600।
ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 6 ਮੰਥ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰਿਲੀਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਾਊਟ ਪੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, PPSC ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਂਬਰੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। जानी मानी विक्ट्री लेडी क्लब की तरफ से लुधियाना के एक निजी होटल में फूलों की होली खेली गई। इस मौके महिलाओं ने बेहद उत्साह के साथ फूलों की होली खेली। वो सभी को कोरोना वायरस से बचने, वो केमिकल युक्त होली न खेलने का संदेश दिया। मैं मिसी रमा शौरी, विक्ट्री लेडीज क्लब दी प्रेजिडेंट, तुहाडे सारेयां दा बहुत बहुत स्वागत करदी हां। अज असीं होली सैलीब्रेट कर रहे हैं कृष्णा जी दे नाल। असीं बरसाने दी मथुरा दी होली असीं बहुत देखी, अज असीं सोचिया कि असीं कृष्ण जी नूं बुला के अपनी लेडीज़ नूं ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਵੁਮੈਨਸ ਡੇ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਮ ਹੋਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਵੁਮੈਨਸ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਮੇਂ। ਤੋ ਹਮਨੇ ਕੁਛ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਆ ਜੋ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੇ ਲੀਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਾਮ ਕਰੇ, ਇੱਕ NGOs ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਂਡੀਕੈਪਸ ਲੋਗੋ ਕੇ ਲੀਏ, ਔਰ ਜੋ ਇੱਕ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਜੋ ਝੁੱਗੀ ਵਗੈਰਾ ਮੇਂ ਰਹਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋ ਇੱਕ ਵੋ NGO ਚਲਾ ਰਹੇ ਉਨਕੋ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਆ ਹੈ, और एक जो हमारे रीमा अरोड़ा है वो दिल्ली में एक कॉम्पिटिशन में एक टाइटल जीत के आई हैं, उनको सम्मानित किया। और होली फेस्टिवल चल रहा है जिसमें हमने राधा कृष्ण जी को बुलाया है, वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लुधियाना से विकास की रिपोर्ट। अब वक्त है विदा लेने का, मुझे यानी शिवांगी को दे इजाजत, फिर होगी मुलाकात कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहे आत्मशरण के साथ। जय जिनेंद्र।